दुर्गा, जब जब तेरी धरती पे जुल्म बढ़े, तूने चंडी का रूप धारण करके उन जालिमों को मृत्यु का दंड दिया। आज फिर तेरी ये धरती मासूम और बेगुनाहों के खून से लाल हो चुकी है। अगर उनकी चीखें तुम तक नहीं पहुंचती तो मुझे शक्ति दे मां, मैं उन जालिमों को खत्म करके तेरी धरती को पवित्र बना सकूं। मुझे शक्ति दे मां, मुझे शक्ति दे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तेरा असली रूप देख रहे। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो पता कैसे चलता? ये कसम खाने के बाद भी कि तू हर बुराई को छोड़ देगा। अभी तक बुराई की दलदल में गले तक धंसा हुआ है। इसमें बुराई क्या है बड़े भैया? अय्याशी और शराब तो ठाकुरों की पुरानी परंपरा है। ये ठाकुरों की नहीं, हरामजादों की हरकतें हैं। असली ठाकुर न शराब पीते हैं, न जुल्म ढाते हैं और न अय्याशी करते हैं। लेकिन मैं तो करूंगा, दिन रात करूंगा। देखता हूं कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। आज ये सब देखने के बाद मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपना वसीयतनामा बदल दूंगा। कंगाल कर डालूंगा तुझे, समझा? साला ये बुढ़ा तो मेरा झंडा उखाड़ने पर तुला हुआ है। अब ये अपना वसीयतनामा अपने बेटे किशन के नाम करवा देगा जो शहर में पढ़ रहा है। मेरा तो ख्याल है कि वसीयत लिखने से पहले बुढ़े के माथे पर मौत लिख देनी चाहिए। इंस्पेक्टर जोरावर सिंह, हम जब भी शिकार पर निकलते हैं एक गोली से दो शिकार करते हैं। हमें पता चल चुका है कि डाकू धर्म सिंह हम पर हमला करने वाला है। वो आएगा, गोलियां चलेगी, हंगामा होगा और उसी हंगामे में हम बड़े ठाकुर पर गोलियां चलाएंगे और इल्जाम लगेगा डाकू धर्म सिंह पर। अरे भागो मत गांव वालों, रुको! गाँव वालों भागो मत, रुको और जी भर कर मौत का तमाशा देखो। आज धर्म सिंह मुझसे टकराने आ रहा है, मैं उसे बीच बाजार मारूंगा ताकि तुम में से कोई मुझसे टकराने की हिम्मत न करे। ओ यार रणधीर सिंह, वो बंजर सिंह के टकले में खुजली हो रही है। ओए तू तो अच्छी तरह जानता है जब बंजर सिंह के टकले में खुजली होती है तो खून का दरिया बह ही जाता है। आज के बाद इस इलाके में जुल्म की कोई दास्तान नहीं दोहराने दूंगा। शमशान घाट में तुम दोनों की चिताएं सजा कर आया हूं। धर्म सिंह, खत्म करो ये खून खराबा। अरे खून खराबा तो खत्म नहीं होगा, लेकिन तुम जरूर खत्म हो जाओगे। इंस्पेक्टर सिंह, बंद कर दो इस हरामजादे को, इसने मेरे भाई का खून किया है। गिरफ्तार कर लो धर्म सिंह को। सुन ले अपनी जय जयकार आखिरी बार, और ये भी सुन ले कि तुझे सजा मिलने के बाद मैं इन सब की जय जयकार को आंसुओं के तूफान में बदल दूंगा। ये मेरे लिए जय जयकार नहीं है ठाकुर, ये वो आवाज है जो शोला बनकर हर गरीब के दिल में भड़क उठी है। गरीबों के हमदर्द, आज तेरे दिल से इन सब का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि कानून के हर ठेकेदार को मैंने खरीद लिया है। तुझे सजा हर हालत में होगी, हर हालत में। मुझे उम्र कैद हो या फांसी की सजा ठाकुर, लेकिन तू मेरे हाथों से मरेगा, और ऐसी मौत मरेगा कि कुत्ते भी तेरी मौत में शर्म खाएंगे। योर ऑनर, डाकू धर्म सिंह को इसी अदालत ने पहले भी सजा दी थी, मगर ये जेल तोड़कर भाग निकला। जीना हराम कर दिया था इसने शरीफों का। दिन रात बस यही डर लगा रहता था कि कब ये आएगा और कब लाशों के ढेर लगाता चला जाएगा। मैं अदालत से अपील करता हूं कि इस बार इसको फांसी की सजा दी जाए, ताकि लोगों के दिलों में बैठी हुई दहशत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। तमाम सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुल्जिम धर्म सिंह को मुजरिम करार देते हुए ताज़ीराते हिंद जेरे दफा 302 और 307 के तहत उम्र कैद की सजा का हुक्म देती है। वाह वाह जज साहब, लोग आपको जज कहते हैं, जज साहब कहते हैं। जज तो वो होता है जो इंसाफ करता है। आपने मेरे साथ क्या इंसाफ किया है? कोई इंसाफ नहीं किया मेरे साथ, लेकिन एक दिन आप इंसाफ करना सीख जाएंगे। जिस दिन सारे बाजार आपकी बहन बेटी की इज्जत लुटेगी, उस दिन कानून की इस किताब का एक एक शब्द आप भूल जाएंगे, हर दफा आप भूल जाएंगे। ये कलम फेंक कर बंदूक उठा लेंगे और मेरी तरह डाकू बन जाएंगे। जनाब, इंसाफ की चौखट पर जब मजलूम के साथ इंसाफ नहीं होता तो वो यही करता है जो मैंने किया है। अगर मेरे साथ फिर इंसाफ नहीं हुआ, मैं फिर वही करूंगा, हर जन्म वही करूंगा। यह अदालत मुजरिम धर्म सिंह पर तौहीन अदालत का मुकदमा दायर करने का फैसला करते हुए डाकू धर्म सिंह की उम्र कैद की सजा बरकरार रखती है। चलो चलो। आ गया। क्या निकल गई हेकड़ी? सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा। अच्छा हुआ इसकी बहन मर गई, वरना इस हालत में देखती तो क्या हाल होता। भी नहीं बचोगे राम साधो कुत्तो, ले जाओ इसको। ओम गणनाय नमः स्वाहा। ओम स्वाहा। सपाटा अरे जब हमारी शादी नहीं हुई तो तेरे कैसे हो सकती हाँ? हरामजादे कुत्ते, क्या किया कुत्ते तूने, ये क्या किया? धर्म सिंह तुझे नहीं छोड़ेगा, वो तुझे कुत्ते की मौत मारेगा। कुत्ते की मौत? अरे जबाटा, कुत्ते की मौत मारने वाला कानून के उस पिंजरे में बंद है जिसका ताला बरसों के बाद खुलेगा। और अब जाने मान, हम तेरा मुंह काला करेंगे। हाँ। जबाटा कहाँ है वो तुम्हारा हमदर्द जिसने तुम लोगों का दर्द दूर करने का ठेका ले रखा है? पुकार अपने उस भगवान को, पुकार अपने उस भगवान को, पुकार अपने उस भगवान को जिसको तुम लोग इंसान के रूप में धर्म सिंह कहते हो। बुला उसे, बुला। सपाटा उसे। धर्म सिंह, धर्मा, अबला के आंचल से खेलने वाले कुत्ते, लगता है मर्दों से वास्ता नहीं पड़ा। जबाटा, वाह धर्मा सिंह वाह, जेल से निकल भागा और दरोगा की वर्दी भी पहन ली। धर्म सिंह अगर तेरी ये काली करतूत देख लेता तो आज तेरी हड्डियां चील कौवे खा चुके होते। मैं धर्म सिंह का छोटा भाई अर्जुन हूँ। इंस्पेक्टर अर्जुन, यानी के दो जबाटा। अरे देखते क्या हो, गोली मार दो इस हरामजादे को, दिखा दो इसको मौत की गली। मौत की गली दिखाने वाले, जरा मुड़कर देख, तेरे आदमियों पर मौत का पूरा शहर खड़ा है। बचेगा तू भी मुझसे नहीं साले। वो तेरा बाप जो तुझे हमेशा कानून से बचाता रहता है, कौन है वो जो तुझे हथियार सप्लाई करता है? और सपाटा, तू मुझे मार भी डाले ना तब भी मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। तू उसका नाम भी बताएगा और दरोगा जिसने हमारे दोस्त गेंडा सिंह की तरफ उंगली उठाई है, हम उसका पंजा काट कर उसकी खोपड़ी को गंजा कर देंगे। सुना है उस दरोगा की तीन आंखें, शिवजी के आशीर्वाद से जब भी वो अपनी तीसरी आंख खोलता है तो जुर्म की दुनिया के सारे मिनिस्टर चूहे बन के अपनी बिल में घुस जाते हैं। ईमानदार तो ऐसा है कि रिश्वत का नाम सुन के ऐसा थप्पड़ मारता है कि सारी बतीसी बाहर आ जाती। मैं अपने डिपार्टमेंट वालों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जब ये नए नए किसी इलाके में जाते हैं तो पागल बैल की तरह सींग चलाना शुरू कर देते हैं, मगर जब इन्हें नोटों की हरी हरी घास चबाने को मिलती है तो फौरन दुम हिलाना शुरू कर देते हैं। ठाकुर साहब बुरा मत मानिएगा, मैं जरा पुलिस वालों पे कम विश्वास करता हूँ, क्योंकि कभी कभी ये दुम हिलाते हिलाते काट भी लेते हैं। बुरा मत मानना। अगर उस दरोगा ने भौंकने या काटने की कोशिश की तो मैं उसकी धूम को काटकर उसके गले में पट्टे की तरह बांध दूंगा और घसीटता हुआ लाकर मेरी हवेली के सामने बिठा दूंगा। देखते हैं दरोगा की पूंछ कितनी लंबी है। कसम है उस कुर्सी की जिस पे बैठकर मैं आज तक मिनिस्टर नहीं बन सका। कानून का ये संतरी तो डाकू धर्म सिंह है। अपनी जगह से हिलना मत। मैं तुम्हें भेस बदलकर कानून से धोखा करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। गिरफ्तार करता हूँ नहीं, गिरफ्तार कर लो। अरे अकल के अंधो, धर्म सिंह जेल में ही है। मैं उसका छोटा भाई अर्जुन हूँ। वाह भाई वाह, डाकू का भाई इंस्पेक्टर, जैसे तलवार का भाई ढाल। देखा कुदरत का कमाल। इससे पहले कि मैं अपने डंडे का कमाल दिखाऊं, अपनी शायरी बंद करो। मुझे सर्कस में काम करने वाले भांडों की शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं। बात यह है मेरे सरकारी भाई के ठाकुर साहब गेंडा सिंह को रिहा करवाना चाहते हैं और उसके बदले में तुम्हारे मुंह पर मुंह मांगी कीमत मारने को तैयार है। कानून की दलाली खाने वाले भड़वे, तूने मुझे रिश्वत की गाली दी। तेरी गाली का जवाब मैं भी गाली में दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी जबान गंदी नहीं करूंगा। हड़वा बोलना तो मुझे भी आता है इंस्पेक्टर, लेकिन तुझ जैसे छोटे आदमी को गाली देना मैं अपनी गाली की तौहीन समझता हूँ। अरे छोड़ो भाई, ये वो गुड़ नहीं जिसे चींटियां खा सके। अरे जाने दो नेताजी, आजकल ये ईमानदारी के भड़वों का दौर चल रहा है। ये भौंकते हैं ज्यादा, करते कुछ नहीं। शराब चलो चलो। आज ये तो पता चल गया कि उस कुत्ते कमीने के चमचे कौन कौन हैं। इंस्पेक्टर अर्जुन, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत बुरी खबर है कि डाकू धर्मा जेल से फरार हो गया है। जी हाँ, और इस बार उसकी गिरफ्तारी की जिम्मेदारी तुम पर सौंपी जाती है। सर, हमें उम्मीद है तुम भाई का रिश्ता भूलकर अपना फर्ज पूरा करने की कोशिश करोगे। सर, आप मेरे गुरु ही नहीं, मेरे पालनहार भी हैं। आपको तो मुझ पर भरोसा होना चाहिए। सर, कानून की खातिर भाई तो क्या, कभी आपको भी कुर्बान करना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हमारा छोटा भाई अर्जुन इंस्पेक्टर बनकर है और उसने कसम खाई हमें गिरफ्तार करने। उसकी कसम जरूर पूरी होगी, लेकिन ठाकुर रणधीर सिंह का वंश खत्म हो जाने के बाद। कितनी जच रही है वर्दी तेरे शरीर पर। देख क्या रहा है? आग गले लग जा। अरे यार ना, तुम एक मुजरिम हो धर्म सिंह और मैं एक मुजरिम के गले नहीं लग सकता। जिस दिन तुम अपने किए की सजा भुगत लोगे उस दिन आकर खुद तेरे सीने से लग जाऊंगा। अरे वाह रे कानून के पुजारी, मिलते ही कानून के भजन गाने लगा। इतना भी नहीं सोचा कि तेरा ये भाई जो कभी फूल बांटा करता था आज डाकू बनकर मौत क्यों बांट रहा है। तुमने शीला और शंकर पर शक करके उनका खून किया है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना गिर जाओगे। क्या कह रहा मुन्ना, तुम मुझ में शक कर रहा है? तू समझता शीला शंकर का खून मैंने किया है? मैं क्या, सारा गांव कह रहा है। अरे तू नहीं समझता पगले, ये मुंह उस कुत्ते ठाकुर का है। गाँव वाले तो सिर्फ बात करते हैं, ये बेचारे क्या करें जो वो कहता हुई इनको करना पड़ता है। सच नहीं जानता मुन्ना तो सुन, तेरे भाई पे क्या गुजरी है। मैं गांव में सुखचैन की जिंदगी काट रहा था। अरे पगली, अरे इतना मत हंस, गाँव वाले कहेंगे इसकी बहन पागल हो गई। भैया खुद ही हंसाते हो और खुद ही हंसने से मना करते हो। पगली हंसने से तो इसलिए मना करता हूँ कि कहीं खुशी के भी आंसू तेरी आंख में आ गए तो माँ को दिया वचन पूरा नहीं कर सकता। भैया वचन? कैसा वचन भैया? यही कि मैं अपनी लाडली बहन शीला की आंख में कभी आंसू नहीं आए। भैया फिर मुझे भी एक वचन दो। कैसा वचन? अरे बोल, तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। अर्जुन भैया को मेरी शादी में जरूर लाना, अगर वो नहीं आए तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। तू क्या समझती अर्जुन आएगा नहीं? अरे वो सर के बल चलकर आएगा, वरना पीट पीट के उसको दारोगा से सिपाही बना दूंगा मैं। बस भैया मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलता हूँ शीला। कहाँ चले भैया? शीला देख, जाते वक्त किसी को नहीं पूछते कहाँ जा रहे हो, अच्छी बात नहीं होती। मैं तेरे लिए शहर जा रहा हूँ जेवर लाने के लिए। तेरी शादी इतनी धूमधाम से करूंगा, इतनी धूमधाम से करूंगा कि गांव के बड़े बड़े जिम्मेदार दांतों तले उंगली दबा लेंगे। सोचते रह जाएंगे कि धर्म सिंह ने अपनी बहन की शादी कैसे धूमधाम से ठाठ से की है। तो चलता हूँ। अच्छा। भगवान करे हर बहन को ऐसा भाई मिले। मैं तुम लोगों के पांव पड़ता हूँ, मैं तुम लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो मेरी बेटी को। धर्म सिंह तुम बीच में मत आओ, ये ठाकुर का मामला है। ठाकुर की ऐसी की तैसी, जाकर कह दो अपने ठाकुर से, इस गांव की हर लड़की मेरी बहन है, इस गांव की इज्जत है। किसी ने इस गांव की इज्जत के आंचल पर हाथ डाला उसे अपाहज बना के रख दूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा धर्म सिंह, चलो। हेलो आओ आकर कुत्ते। हर बूंद मेरी नस नस में आंख फैलाता जा रहा है, लेकिन अब तक वो जलपरी नहीं आई जो बादल बनकर बरसे और ठंडा कर दे इस आग को। ठाकुर साहब, आग जितनी ज्यादा भड़केगी उसे बुझाने में उतना ही मजा आएगा। कसम कानून की, जो केस जितना ज्यादा लंबा चलता है उसका फैसला सुनने में आत्मा को जो शांति मिलती है वो पहली पेशी के केस पे छूट जाने पे नहीं मिलती। तुम्हें शांति की पड़ी है? बेचारे ठाकुर साहब जले भुने जा रहे हैं कि अब तक उनके जीवन में क्रांति क्यों नहीं आई। आ जाएगी क्रांति, आ जाएगी। ठाकुर साहब क्या हुआ? धर्म सिंह ने हम लोगों को मार के लड़की को छोड़ा लिया है। क्या? हाँ सरकार। धर्म सिंह, तूने आग के मुंह से पेट्रोल छीना है। उस लड़की को बचाकर तूने अपने मुकद्दर में बर्बादी लिख दी है। कहाँ है धर्म सिंह? वो अपनी बहन के दहेज के लिए सामान लेने शहर गया है। जाओ जाकर पता करो कि उसकी बहन कहाँ है। शंकर शंकर छोड़ो ना। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो ना, कोई देख लेगा तो। हाय कौन देख लेगा? ऐसा करो तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं अपनी। अरे शंकर, अरे ये कहाँ मुझे लिया? अरे यहाँ प्यार करने के लिए आए हैं। छोड़ो, भैया आ गए तो? भैया तो शहर गए हुए हैं तुम्हारी और हमारी शादी का इंतजाम करने के लिए। छोड़ो ना, मुझे शर्म आ रही है। छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? मारो साले को। किसने मारा इसको? मुझसे पूछ धर्म सिंह, तेरी बहन को किसने मारा है? किसने किया है? जल्दी बताओ दारोगा जी, किसने किया मेरी बहन का खून? तूने मारा है अपनी बहन को। क्या कह रहे हैं दारोगा जी? मैं अपनी बहन का खून करूंगा? पागल हूं मैं? हाँ, क्योंकि शादी से पहले तूने अपनी बहन को उसके मंगेतर के साथ रंगरलिया मनाते हुए देखा था, इसीलिए तूने अपनी बहन और उसके होने वाले शौहर का खून कर दिया। और मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। क्या बक रहा है तू? मैं देख, इससे पहले कि मैं अपनी बहन की चिता जलाऊं, मैं तो इस तरह अटक अटक कर रोने का नाटक मत कर धर्म। तूने हमेशा पागल सांड की तरह हमें सिंह मारने की कोशिश की है, लेकिन अब हम उस सिंह को तोड़कर हमेशा के लिए चैन की बांसुरी बजाएंगे और उस दिन का इंतजार करेंगे जिस दिन कानून तुझे उस जुर्म की सजा देगा जो जुर्म तूने किया ही नहीं। अब मैं तुझे ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि तेरी सिट्टी गुम हो जाएगी और तेरी ताकत जेल की दीवारों से टकरा टकरा कर मिट्टी में मिल जाएगी। क्या कह रहे तू? हरामजादे, मेरी बहन का खून तूने किया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। पकड़ लो इसे। माय लॉर्ड, इंसाफ की आंखों में धूल झोंकने वाला ये मुलजिम धर्म सिंह अपनी बहन का कातिल है। इसने जब ये देखा कि शादी से पहले इसकी बहन अपना कुंवारापन एक लौंडे पर न्यौछावर कर रही है, तो इससे रहा नहीं गया, इसने अपनी बहन को मार डाला। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि कानून को हाथ में लेने वाले ऐसे मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जज साहब, मेरा यकीन कीजिए, खून मैंने नहीं किया है। मैं अपनी उस बहन का खून करूंगा जिसे पाल पोसकर मैंने बड़ा किया है। जो बहन मेरे हाथ पर राखी बांधती आई हो, उस बहन का खून मैं कर सकता हूं। ये खून ठाकर और उसके कुत्तों ने किया है जज साहब, ये खून इन्होंने किया है जज साहब। तुम्हारी बातों से बेगुनाही तो झलकती है, मगर ठाकुर रणधीर सिंह और नेता हरिराम का बयान, इंस्पेक्टर जोरावर सिंह की गवाही और वकील बलवंत सिंह की दलीलें सुनकर यह अदालत तुम्हें सजा देने के लिए मजबूर है, क्योंकि हम कानून के दायरे से बाहर नहीं जा सकते। कानून, दलीलें, झूठे बयान, ये गवाहियां। जज साहब, अगर इन ठाकरों का पाप इसी तरह बढ़ता रहा और इन ठाकरों के साथ ये पुलिस और वकील देते रहे और इन वकीलों की दलीलें आप सुनते रहे, तो इंसाफ नहीं होगा। एक दिन ऐसा आएगा जज साहब, आपकी इस कुर्सी को आग लग जाएगी, भस्म हो जाएगी आपकी अदालत। गरीबों की आहें इस निजाम को चलाकर राख कर देंगी। मोअज़्ज़िज़ गवाहों और वकील साहब की दलीलें इतनी वजनी हैं कि जिसके सामने मुलजिम धर्म सिंह की अपीलें कोई माने नहीं रखती। लिहाजा ये अदालत दफा 302 ताजीरात हिंद के तहत मुलजिम धर्म सिंह को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा देती है। वो सच्चाई जो गांव वाले बोलने से डरते हैं, मैं उन्हें सच बोलने पर मजबूर कर दूंगा। लेकिन तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मेरी बातें सुनकर भी तुम्हें मेरा यकीन नहीं आ रहा और तुम खाकी वर्दी वालों का साथ देना चाहता है। क्या होगा तुम्हें मुन्ना? ठीक है, तू मेरा साथ नहीं देना चाहता ना सही, मैं निपट लूंगा खुद ही उनसे। रुक जाओ धर्म सिंह, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। अच्छा मुन्ना, जिंदा रहा तो फिर मिलूंगा। जब फर्ज का भूत किसी के सीने पर नाचने लगता है ना, तो वो फर्ज की सूली पर अपने पराए सबको चढ़ाता है। जैसे इंस्पेक्टर अर्जुन डाकू धर्म सिंह की जान का दुश्मन बना हुआ है। अरे ये सब वो अपनी वाहवाही के लिए कर रहा है। उससे सोचा होगा कि भाई ये तो क्या हुआ, डाकू भी तो है, आखिर कोई ना कोई तो उसे गोली मार ही देगा, मैं उसे गोली मार देता हूँ, नाम भी होगा, शोहरत भी मिलेगी, माल भी मिलेगा, तरक्की भी होगी। इसका मतलब ये तो हमारा भी बाप निकला। जिस गंदे खून की औलाद तुम लोग हो, हर किसी को वैसा मत समझो। हमारी हवेली में घुसकर जो हमें गाली बकता है ना, उसकी खाल उखाड़ कर हम उसके जूते बनाते हैं और हम नहीं पहनते, नौकरों को पहनाते हैं। भगवत अरे बात तो तुम रहे हो जो बिना बताए कि हमने किया क्या है बकाए जा रहे हो, बकाए जा रहे हो। बहुत बड़े पापी हो तुम लोग। मेरी बहन का खून किया है तुमने और उसी की वजह से मेरा भाई डाकू बनने पर मजबूर हुआ। तुम लोगों के डर से इस गांव का एक भी आदमी तुम्हारे खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह की दहशत यहाँ के पशु पक्षियों को भी तुम्हारे खिलाफ बोलने पर मजबूर कर देगी। समझ गए? अबे चुप, ये झूठी बकवास करने से पहले जाओ कोई गवाह लेकर आओ और ये साबित करो कि हमने तुम्हारी बहन का खून किया है, झूठा कहीं का। अब तुम में से किसी ने गांव छोड़कर जाने की जरूरत की तो तुम्हारा वो हश्र करूंगा, वो हश्र करूंगा कि तुम्हारे पुरखों की रूह कांप उठेगी। लगता है इंस्पेक्टर को नाकों चने चबवाने पड़ेंगे, वरना ये हमें लोहे के चने चबवाने पर मजबूर कर देगा। अरे जब किसी का झंडा उखड़ने वाला होता है ना, तो मेरे सामने ऐसी आकड़ कर बातें करता है, लेकिन उसे क्या पता कि दुश्मन का वार आने से पहले मैं उसकी गर्दन मरोड़ देता हूँ। बाबा क्या हुआ? भी यहीं खराब होना था क्या? तू लाके कहाँ फंसा दिया जंगल में? कुछ करना यार, इसका मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता तो गाड़ी क्यों चलाता है? देख मैं कोई मैकेनिक देख के आता हूँ, तू यहीं ठहर। चली जा। अकेले रहो मेरे। अरे तू घबरा मत, मैं भी आया। सुन बाबा जल्दी आना, कोई लड़की वड़की मिल गई तो वही नहीं चिपक जाना बाबू। किशन बाबा अकेला हूँ रे, गुमनाम है कोई। मुझे छोड़ के यार। अरे यार क्या था मैकेनिक ढूंढने के लिए, एक खूबसूरत परी नजर आ गई। क्या आंखें, क्या जुल्फे, मत पूछ यार, दीवाना बन गया हूँ उसका मैं। वो अकेली थी? नहीं यार, खूबसूरत खूबसूरत परियां भी थी उसके साथ। तू बैठ, मैं जाके आता हूँ। बैठ, वहाँ पापा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कर, तू गाड़ी में धक्का मार। लड़कियां देख रहे, तू जाएगा और धक्का मुझसे मरवाएगा। चल चल चल। पिताजी, पिताजी। पहले बेटे किशन। चाचा जी, पिताजी कहाँ हैं? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? हाँ। मगर कैसे हुआ, कब हुआ? मुझे तार देकर क्यों नहीं बुलाया? आंसू पोंछ लो बेटे, इनके बहने से तुम्हारी पिता के आत्मा के साथ साथ मुझे भी बड़ा दुख पहुंचेगा। हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी पढ़ाई खराब हो, और बड़े भैया की भी यही चाहत थी, इसलिए हमने उनका खून होने पर भी तुम्हें खबर नहीं की। क्या उनका खून हुआ था? हाँ। किसने किया था? डाकू धर्म सिंह। धर्म सिंह? अरे वही माली जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। अरे वो तो खुद फूलों जैसा दिल रखने वाले इंसान थे, काटे दूसरों को चुपते थे, तकलीफ उन्हें होती थी, फिर भला वो डाकू कैसे बन गए? और मेरे पिता क्या थे, उन्होंने क्यों की? बेटे किशन, क्या हो गया तुम्हें? अरे ठाकुर हो तुम, ठाकुर। कारण मत पूछो, उठाओ बंदूक और खत्म कर दो उस डाकू धर्म सिंह को। चाचा जी, इंतकाम की आग जलने के बाद भी उस वक्त तक नहीं बुझती जब तक वो अपने जलाने वाले को भी जिंदा जलाकर राख न कर दे। और मुजरिम को सजा देना तो कानून का काम है। कमबख्त, सलाम सोच रहे थे कि एक ही तीर से दो शिकार हो जाएंगे, लेकिन ये साला बिन गुठली का आम निकला। अरे राधा, रोटी कहाँ है? देर हो रही है। आई भैया। हाँ भाई, जल्दी कर, देर हो रही है। ये लो भैया, पूरी 4 रोटियाँ हैं। हाँ। और साथ में आम का अचार भी है। आम का अचार भी? हाँ। हाँ। लेकिन भैया, तुमने तो बताया ही नहीं कि तुम जा कहाँ रहे हो। शहर जा रहा हूँ तेरे लिए लड़का देखने। मेरे लिए लड़का देखने? हाँ। अरे भैया, तुम तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। हमारे यहाँ पर तो लड़के वाले लड़की देखने आते हैं, और तुम हो कि मेरे लिए लड़का देखने जा रहे हो। तू तो जानती है राधा कि जहाँ जहाँ से तेरी बात आई है, लड़के वाले अपने लड़के की तारीफों के पुल बांध देते हैं। भाई हमारा लड़का बहुत बहादुर है, बहुत ताकतवर है। वो पास के गांव का जनकू था ना। हाँ। कहता था कि मेरा लड़का शेर से पंजा लड़ा सकता है। जब मैंने जाके देखा तो साला चूहे से भी डरता था। इसीलिए राधा शहर जा रहा हूँ, ये देखने के लिए कि कौन सा लड़का तेरा हाथ थाम सकता है, तुझे कमा के खिला पिला सकता है, और वक्त आने पर तेरे लिए जान भी दे सकता है। भैया, भैया कुछ दिनों के लिए रुक जाओ। क्यों? मैं सोचकर डर से कांपने लगती हूँ कि मुझे मेरे भैया से हमेशा के लिए बिछड़ना पड़ेगा। रात के अंधेरे के डर से सूरज को डूबने से नहीं रोका जा सकता राधा। वो दिन याद है ना जब ठाकुर रणधीर सिंह ने सिर्फ 200 रुपया कर्ज देकर बापू की 30 बीघा जमीन लिखवा ली थी। बापू उसी गम में मारा गया और हम दोनों घर से बेघर हो गए, दर बदर की ठोकरें खाने के लिए। याद है ना? हाँ भैया, सब कुछ याद है। तो फिर यह भी याद होगा कि ठाकुर रणधीर सिंह ने मेरे दोस्त धर्म सिंह की बहन की इज्जत लूटकर उसे डाकू बनने के लिए मजबूर कर दिया था। याद है ना? हाँ भैया, वो भी याद है। तो फिर सुन, मुझे ठाकुर रणधीर सिंह के हर जुल्म का हिसाब चुकाना है। जंग करनी है उसके साथ, जंग। मैं नहीं जानता कि अंजाम क्या होगा, इसीलिए चाहता हूं कि तेरे हाथ पीले कर दो। बस कोई ढंग का लड़का मिल जाए। देर हो रही है, चलता। छलकी जाए रे गगरिया, इतनी छोटी सी उमरिया, डर मोहे लागे कहीं लचके ना कमरिया। अरे रे रे रे, सुंदरी क्यों अपने इस कोमल से बदन को कष्ट देती हो? बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं जिंदगी भर अपनी इस गाड़ी में पानी भर भर कर तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा। अरे माँ को बाद में याद करो, पहले प्यार का इकरार तो करो। प्यार करने की बात तो दूर रही, मैं तुम जैसे छिछोरे के साथ बात तक करना पसंद नहीं करती, समझे? हमारा तुम्हारा संगम होके रहेगा। अब अगर तुमने मेरे पीछे ना छोड़ा ना, सर फोड़ दूंगी, मैं मार दूंगी तुम्हें। जान के हाथों, जब मेरी जान जाएगी। अच्छा। वफा को है जाने जा, तू मेरी पहचान जाएगी। अगर तुम्हें अपनी जान गंवाने का ज्यादा ही शौक है ना, तो ये लो। बड़ा छोटा पत्थर मारा है। खैर कोई खास चोट नहीं आई। कल रिवॉल्वर ले आऊंगा, 6 की 6 गोली मेरे सीने में उतार देना, लेकिन मरने से पहले इतना जरूर कह देना कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। हंसते हंसते मर जाऊंगा। और पत्थर मारने के बाद भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। कहने लगा कल पिस्तौल लेकर आऊंगा, पूरी की पूरी 6 गोलियों से मार देना। शहरी लड़के ऐसी मनमोहिनी बातें किया करते हैं, जरा बच के रहना। अरे मैं कोई इतनी भोली भाली लड़की थोड़ी हूँ जो उसकी बातों में आ जाऊंगी। माया, मोहिनी, नीतू सभी तेरी तरह ऐसी बातें किया करती थी, मगर शहरी बाबू के जाल में ऐसी फंसी तू भी फंसेगी। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ, समझी? चल जाओ यहाँ से। आज के बाद उस उल्लू के पट्टे ने मुझे छेड़ने की कोशिश की ना तो मैं उसे सच में गोली मार दूंगी। लगता है ये गांव पूरा शादीशुदा लोगों से भरा हुआ है। कोई एक आध कुंवारी लड़की मेरी झोली में डाल दे। ए प्रभु, तेरे कंप्यूटर में कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया? जरा चेक कर लेना, कहीं इधर उधर हो गया होता। मेरे को बचा ले मेरे बाप, मेरे बाप। अरे कल मुहे, तू क्या समझता है आंखें बंद करने से इस मुसीबत से पीछा छूट जाएगा? आपको क्या शिकायत है मुझसे बहन जी? बहन जी? हाय राम, अपनी पत्नी को बहन बनाता है। मैं आपका पति नहीं हूँ, मैं पति बनने के लायक भी नहीं हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं सिवाय राखी के बहन जी। फिर बहन जी देखिए, आपके साथ आपके भगोड़े पति की शक्ल मुझे जरूर मिलती होगी। जरा कुछ धोखा हो गया है, मैं आपका पति नहीं हूं। तू ऐसे नहीं मानेगा, चल अंदर, चल अंदर। फिर वही कठिनाई। मैं समझ गया, तुम मुझे राखी बांधोगी ना? बांधो, मेरा पैसा भी है। मैं राखी नहीं बांधूंगी, बल्कि तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊंगी। सुहागरात? नहीं। हाँ, क्योंकि तुम शादी के दिन मेरा घूंघट उठाते ही भाग गए थे। अच्छा। मैं सुहागरात अभी मनाऊंगी। दिन दहाड़े सुहागरात मनाना राक्षसों का काम है, अपना नहीं। तुम जो भी समझो, मैं तो सुहागरात अभी मनाऊंगी। कौन है? मैं तुम्हारा पति पेंडामल। लगता है तुम्हारे पति है ये मेरे जीजा जी। जाओ बहना, बहना मेरी, राखी के बंडल फेंक के मारूंगा तेरी जत्ते। अरे कहाँ चले गए थे? शहर गया था। क्यों? ये लाने, ये क्या है? ये वो है एक, मगर अभी नहीं, और एक के बाद फिर कभी नहीं। ऐसा क्यों देख रहे हो? कोई आया तो नहीं था? नहीं, कोई नहीं। तो फिर चलो। जा रहा है? ए भाई राम राम, मैं इस गांव में नहीं रहूंगा भाई। अजीब गांव है यार, जिसको देखो बहन बन जाती है, कोई माँ बन जाती है, कोई औरत बन जाती है। मजे चला। ये क्या, ये चोट क्या लगी? वही लड़की यार, जिसके प्यार ने मुझे पागल बना दिया। कौन सी लड़की? वही यार, जो यहाँ मिली थी पहली बार गाँव में आने के बाद। इस गांव में सब लड़कियां पागल हैं, मेरे पीछे पड़ गए थे। मुझे तो लड़की बहुत ही खतरनाक लगती है भाई। मेरी बात मान, तू इस लड़की का ख्याल छोड़ दे। तू ख्याल छोड़ने की बात करता है? अरे मैंने तो उसके दरवाजे पर डेरा जमाने का फैसला कर लिया है। या तो उसकी ना को हाँ में बदलूंगा, नहीं तो ये दुनिया छोड़ दूंगा। तो क्या तू यही रहेगा? हाँ दोस्त। ठहर, मैं भी आता हूं। यहाँ क्या करूंगा? चल भाई। तुम यहाँ भी आ गए? तुम जहाँ जिस्म होगा वहाँ जान तो जरूर होगी। अरे क्यों अपनी जान के पीछे हाथ धोके पड़े हो? चले जाओ, मैं कहती हूँ। अगर भैया आ गए ना तो कुल्हाड़ी के एक ही वार से तुम्हारी गर्दन कट के सूखी लकड़ी की तरह गिर जाएगी, समझे? जाओ यहाँ से। मरने से तो वो डरते हैं जो जिंदा रहते हैं। मैं तो तुम्हारे प्यार में कब का मर चुका हूँ। अब तो ये प्रेमी प्रेम का कटोरा लिए तुम्हारे प्यार की कब से भीख मांग रहा है, और जब तक उसे प्रेम की भीख नहीं मिलेगी ना, मैं तुम्हारे दर से हटने वाला नहीं, समझी? क्या मुसीबत है मेरे सर पे। अरे मैं पूछते, इस गांव में तुम्हें और कोई लड़की नहीं मिली क्या, जो मेरे सर पे आके बैठ गए हो? तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने के पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। जल्दी तुम्हारा सवाल पूछो और 9-2-11 हो जाओ, समझे? लोग शिव जी की पूजा क्यों करते हैं? भगवान राम की भी पूजा क्यों करते हैं? हनुमान जी को क्यों पूजते हैं? ये सब लोग किसी एक की पूजा क्यों नहीं करते? इसका जवाब है तुम्हारे पास? जवाब क्यों नहीं है जवाब? अरे जिसकी जिससे श्रद्धा होती है वो उन्हीं की पूजा करते हैं, इसमें जवाब देने वाली क्या बात है? तो सुनो, मेरी श्रद्धा तुमसे है और मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ, और आज मैं ये ठान कर आया हूँ, या तो मैं अपना प्रेम प्रसाद लेकर जाऊंगा, नहीं तो अपने प्राण त्याग कर जाऊंगा। अब चाहे तुम प्राण त्यागो या अपने घर भागो। बिजली कड़क रही है, लगता है बारिश होने वाली है। जय राम जी की, मैं तो चली सोने, समझे? मेरी भी एक बात सुन लो राधा, अब चाहे ये सारा सागर बादल बनकर भी बरस पड़े ना, तो मैं तुम्हारी हाँ सुने बगैर यहाँ से हटने वाला नहीं। कहीं वो पागल अभी तक बाहर तो नहीं बैठा है? अरे बड़े बेवकूफ हो तुम, क्या तुम्हें बारिश में भीग के मरने का इरादा है? जब तक मुझे ये न कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं यहाँ से हटने वाला नहीं। देखो किशन, तुम बहुत बुरी तरह से पछताओगे। पछताने की बात करती हो? अरे मैंने तो मरने का इरादा कर लिया है। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, कल मिलूंगी आकर के तुमको। मैं ऐसे जाने वाला नहीं राधा, जब तक तुम मुझसे ये न कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं यहाँ से हटने वाला नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। अब तुम यहाँ से जल्दी जाओ, अगर भैया आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, जाओ यहाँ से जल्दी। क्यों लाल परी, अपने यार का इंतजार हो रहा है? तुम कौन हो तो पूछने वाले? अरे जानी, हम भी तो तेरे चाहने वाले हैं। अरे हट! रामजादो! संभालो पागल मन को। मेरी दीवानी आई रुत मस्तानी अरे होने दे जो कुछ कुछ होने लगा कुछ होने लगा साले को घसीट कर बाहर लाओ। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं? अरे अरे मुझे क्यों पकड़ रहे? अरे मैंने क्या किया? अरे मैंने किया क्या? तूने साले तूने सरदार की मुखबरी की है। अरे मैं मुखबरी अरे नहीं नहीं अरे भाई सरासर गलत है, सरासर झूठ है। मैंने आपके खिलाफ मुखबरी नहीं की। अरे आपने मेरी बेटी की इज्जत बचाई है, आपने उसका ब्याह करवाया है। मैं आपने मुखबरी की है, पैसे के लालच में की है। सरकार ने आपको इनाम देने का वादा किया था। नहीं नहीं धर्म, लेकिन ये सरकार इनाम नहीं देती, इनाम तो हम देते। रुक जा धर्म सिंह, अगर तूने इसे गोली मार दी तो तेरी और मेरी बचपन की दोस्ती हमेशा के लिए टूट जाएगी। तुम भी इसके साथ मिले हो? वाह मेरे दोस्त वाह, मैं तुझे एक बेगुनाह का खून बहाने से रोकने आया था और तूने मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगा दिया। अरे अगर मुझे तुझसे गद्दारी करनी होती तो मैं अब तक ठाकुर का दाया हाथ बनकर तेरी गर्दन काट चुका होता। मेरे आंगन में सोने और चांदी की बरसात होती, लकड़ियां काटकर मैं अपना पेट नहीं पाता, समझे? तो फिर असली गुनहगार कौन है? यह है तेरा असली गुनहगार, जो दो मुआ सांप बनकर कानून और तुझे एक साथ डस रहा है। मुझे माफ करो धर्म सिंह, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं, सिंह आज तूने रामपल पर नहीं मुझ पर एहसान किया है। इसकी जान बचाकर तुमने इस पर एहसान नहीं किया, मुझ पर एहसान किया शेर सिंह। और इस एहसान के बदले कभी हमारी जान की जरूरत पड़े तो मैं हाजिर। वाह वाह वाह, नीचे से ऊपर तक कयामत ही कयामत है। गलती हो गई जो हमने ये वसीयत हमारे भतीजे के नाम करवा दी। अगर हमें वसीयत बदलने की बुरी आदत होती ना तो। ठाकुर साहब, सुना है अकलमंद आदमी कभी बेकार की बातों में वक्त जाया नहीं करते। आप काम बताइए, काम की कीमत बताइए। बेटे किशन। जी चाचा जी। इधर आओ। जी। ओ, ये हर दिन सवेरे सवेरे कहाँ जाते हो? प्यार से घड़ी दो घड़ी बैठकर कभी हमसे भी बातें किया करो। बैठो। मान सम्मान की रेखा मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं आपके सामने बैठूं। वाह 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 वाह। अरे जिस युग में बेटा पैदा होते ही माँ को अंगूठा और बाप को आंखें दिखाता है, उस कलयुग में आपके जैसे औलाद को देखकर हम भी बहुत खुश हुए। वाह वाह वाह। अच्छा तो मैं चलूं चाचा जी? अरे जाते कहाँ हो, बैठो। आज हम तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं, बैठो। देखो बेटे, अब तुम जवान हो गए हो, हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए। लड़की भी ढूंढ रखी है हमने, मोहिनी नाम है उसका। मोहिनी से मैं शादी नहीं कर सकता चाचा जी, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। पलक झपकते ही तू कलियुग का किशन बन गया, हमारी बात काटी, हमें जवाब दिया। ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा चाचा जी, मैंने तो सिर्फ आपको सच्चाई बताई। हाँ। और सच्चाई बताना कोई गुनाह तो नहीं है। सोच रहा था कि तू सिसक कर मरेगा, लेकिन तुझे तड़प तड़प कर मरने का ही शौक है, तो भला मैं क्या कर सकता हूँ? राधा, समझ में नहीं आता कि तुम में ऐसा कौन सा जादू है, मेरे दिलो दिमाग पर छा गई है, पागल कर दिया उसने मुझे। हुस्न का जादू जब सर चढ़कर बोलता है तो अच्छे अच्छे पागल हो जाते हैं। किशन साहब, कौन है आप? आपके दूध पीने का समय हो गया है, पहले आप दूध पी लीजिए, उसके बाद आपके हर सवाल का जवाब मैं डिटेल में दूंगी। पीजिए ना। अब आप बताइए कि आप कौन हैं? मेरा नाम मोहिनी है और मैं यहाँ अनहोनी को होनी करने आई। क्या मतलब? आपके चाचा जी ने आपके लिए मुझे पसंद किया है, अब आप ये बताइए कि मैं आपको पसंद आई कि नहीं? मगर मैं तो ये मुझे क्या हो रहा है? जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। मगर तुम समझती क्यों नहीं? मजा आ गया पहली ही मुलाकात में, आपसे तुम पर, और अब तुमसे आगे क्या होता है ये मैं तुम्हें। बच गया, नहीं तो फिर आज किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की क्या 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 रे बाप रे। माफ करना, गलती से टकरा गया था। मेरी माँ, माँ माँ नहीं, पत्नी कहो, अपनी होने वाली पत्नी। पत्नी क्या? हाँ, एक जोशी ने कहा था, जब कोई लड़का तुम्हें टक्कर मार के तुम्हारी मटकी फोड़ देगा तो समझ लो वही तुम्हारा होने वाला पति होगा। हाय देवी, क्या मैं कोई बकरा हूँ जो मेरी खाल उतारने के लिए अगल बगल से ऊपर नीचे से टटोल रही हो? नहीं नहीं, मैं तो ये देख रही हूँ कि तुम कितने खूबसूरत हो। मैं खूबसूरत? हाँ, तुम इतने खूबसूरत हो, इतने खूबसूरत हो, हाय मेरे दिल से पूछो, बिल्कुल जली हुई रोटी की तरह, जिसे खाने के लिए गधे के सामने फेंक दिया जाता है। क्या? तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि जैसे काला अंगूर किसी ट्रक के नीचे आकर पिचक गया हो। अंगूर का कलर बदल नहीं सकता है? तुम मेरी तारीफ कर रही हो या मुझे आईना दिखा रही हो? देखो, मुझे जोशी ने कहा था कि तुम्हारा होने वाला पति ऐसा ही होगा। तुम्हारे घर में बच्चे कच्चे भाई भाई तो नहीं है ना? क्या कोई और होगा? छोड़ो ना, तुम मुझसे शादी करोगे ना? अरे मैं समझ गया, इस गांव की लड़की मुझे पागल बनाने पे तुली हुई है और मैं तुम्हारी चक्कर में आने वाला नहीं हूँ। अरे सुनो सुनो, अरे सुनो ना, अरे रुको रुको रुको, तुम अगर मुझे छोड़ के चले गए तो मैं तुम्हारे साइकिल के नीचे अपनी जान दे दूंगी। अरे नहीं, कब से मटकी लिए लिए फिर रही हूँ कि हाय कोई आए और मेरी मटकी फोड़ जाए, और एक तुम हो मेरी मटकी फोड़ने के बाद मेरा दिल तोड़ कर जा रहे हो। हाय कोई आए और इस काले कौए को समझाए कि कोयल से चोंच लड़ाए बिना ही चला जा रहा है। हाय कोई है, कोई है? ए, नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, कोई आना इधर, ये पति-पत्नी का मामला है। हाँ, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी जबरदस्ती, मेरी मजबूरी। देखो मैं तुम्हें स्वीकारता हूँ, लेकिन ये काला कौवा, अंगूर, जली हुई रोटी, गधा वधा नहीं बोलना मेरे को। पति की हमेशा इज्जत करना है, पति परमेश्वर होता है। हाँ? परमेश्वर, जरा ध्यान रखना, इसको भी ट्राई करता हूँ। चल 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 बाबा। अरे जाती कहाँ, अभी तो प्यार करना बाकी है। छोड़ो मुझे, जब देखो प्यार प्यार प्यार, प्यार के अलावा भी कुछ आता है? हाँ, प्यार के आगे भी एक चीज है। वो क्या? शादी। चलो हटो। अगर तुम कहो तो शादी का पैगाम लेकर आज ही तुम्हारे भैया के पास चले जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा का सब मत करना, वो बहुत गुस्से वाले इंसान हैं मेरे भैया। तुम्हारी प्यार की गाड़ी कभी स्टेशन तक नहीं पहुंच पाएगी। अरे पहुंचेगी, फिक्र क्यों करते हो, आज नहीं तो कल जरूर पहुंचेगी। मैं चली। अरे चली कहाँ जाने मन? क्यों? प्यार का तोहफा तो देती जाओ। कौन सा तोहफा? आँख बंद करो, पगली कहेगी। ला 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 ला, भैया भैया भैया, मेरी बात तो सुनो भैया, मेरी बात सुनो भैया। जो कुछ भी तू मुझे सुनाना चाहती है, तेरे सुनाने से पहले मैं देख चुका हूँ। मर क्यों नहीं गया भैया? जो तुम समझ रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है। गांव की गली गली में ये बात फैल चुकी होगी कि शेर सिंह, जिसकी इज्जत सारा गांव करता है, उसकी बहन एक शहरी लौंडे के साथ। जी, क्या किया है शेर सिंह की बहन ने? अपने आप को बेच दिया है या अपनी इज्जत नीलाम कर दी है? इसका मतलब इसके सिवा और हो भी क्या सकता है? मैं बताती हूँ इसका मतलब। इसका मतलब है प्यार। प्यार? प्यार वो चादर है जिसे आजकल के लड़के लड़कियाँ अपने पापों को छुपाने के लिए ओढ़ लेते हैं। प्यार को पवित्रता का नाम देकर धूल झोंकते रहते हैं अपने माँ बाप भाई बहनों की आंखों में। बस भैया बस, इसके आगे कुछ नहीं कहना। चुप हो जा राधा, चुप हो जा। और सुन, मैंने एक लड़का तेरे लिए पसंद कर लिया है। मगर मैंने किशन को पसंद किया है भैया। या तो मैं उसी की होकर रहूंगी या उसके नाम की माला जपते जपते ही मर जाऊंगी। शाबाश राधा, शाबाश। प्यार का पहला सबक यही होता है कि बड़ों से जुबान लड़ाओ, उन्हें आईना दिखाकर शर्मिंदा करो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा, और जब तक ये शादी नहीं हो जाती तुम इस घर से बाहर नहीं निकल सकते। नहीं भैया नहीं, नहीं निकल सकते। नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं, ऐसा मत कीजिए भैया। भैया हाय बुढ़ापा, हाय बुढ़ापा, कोई लड़की नहीं पड़ती। बाबू बाबू देखो मैं किसे लाई हूँ। कौन है ये? ये है दिलीप कुमार। दिलीप कुमार? ये तो शक्ल से मुझे कोई सींग मारने वाला काला सांड लगता है। भैंस के मुंह से निकली हुई सड़ी डकार मार के मुंह का गोबर बना दूंगा। अबे मेरे घर में तू मुझे ललकारता है, जानता नहीं मैं कौन हूँ? जानता हूँ तू कौन है। कौन हूँ मैं? जूते को छोड़कर भागी हुई वो कील है जिसकी नोक और नाक दोनों बैंड है। बिटिया जल्दी से ला मेरा काला डंडा, अभी मैं इसकी नाक तोड़ता हूँ और सर फोड़ता हूँ। बापू सर फोड़ने से पहले मेरी बात सुन लो, यही वो है जो मेरी मटकी फोड़ चुके हैं। क्या? हाँ। इसने तुम्हारी मटकी फोड़ी है? हाँ। ये पागल कुत्ते की तरह क्या सूंघ रहा है भाई, कहीं काटेगा तो नहीं? काटे। बिटिया इसके बदन से मुझे बेवफाई की बदबू आ रही है। ये एक ऐसा हलवाई है जो मलाई तो मजे ले लेकर खाता है और जब खुड़चन खाने का समय आता है तो कुत्ते की तरह दुम दबा के भागता है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारा हाथ तो क्या पैर भी इसके हाथ में नहीं दूंगा। राधा, ओ राधा। भाई साहब नमस्ते। हरामजादे, अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो चुपचाप चला जाए यहाँ से। माँ कसम अगर आप राधा के भाई नहीं होते ना तो क्या कर लेता? रुक क्यों गया? अरे बोल क्या कर लेता? देखिए मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहता, मुझे राधा से एक बार मिल लेने दीजिए, मैं चला जाऊं। तेरे सर से ये प्यार का भूत उतारना ही पड़ेगा। भैया रुक जाओ। भैया अगर किशन को कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी भैया, मार दूंगी अपने आप को। इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूं और अपनी बहन की जान की परवाह भी ना करूं, चला जाए यहां से। चले जाओ किशन, चले जाओ, भूल जाओ मुझे, समझना कि तुम्हारी राधा मर गई। नहीं राधा नहीं, मैं तुम्हारी जुदाई सह सकता हूँ लेकिन तुम्हारी मौत नहीं सह सकता राधा। तो फिर तड़पते रहो तुम, और तड़पने दो मुझे भी, और मजे ले लेके देखने दो भैया को हम दोनों को तड़पता, क्योंकि उनका अधिकार है ना मुझ पर। उन्होंने मुझे बचपन से पाला पोसा, उनके एक एहसान के बदले में मेरी सांसें, मेरे अरमान, मेरे सपने, सब कुछ बस भैया गई तो है। किशन चले जाओ यहाँ से, भगवान के लिए चले जाओ, चले जाओ किशन, चले जाओ। हेलो अर्जुन सिंह, क्या बात है? सर गांव वाले ठाकुर और उसके आदमी के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गए, मैं उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जा रहा हूँ। धर्म सिंह ने वादा किया है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद वो खुद को पुलिस के हवाले कर देंगे। यह हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है, जा जाकर रणधीर सिंह को गिरफ्तार कर लो। राइट सर। हेलो ठाकुर, अर्जुन सिंह तुम्हारी बर्बादी के सबूतों की फाइल लेकर तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आ रहा है। तुम्हारी भक्ति देखकर ठाकुर खुश हुआ, तुम इसी तरह भोगते रहो। उस अर्जुन सिंह का अंतिम संस्कार रास्ते में ही किया जाएगा। अर्जुन मेरे आदमियों को उड़ाए जा रहा है। मैं इसे ऐसी ठोकर मारूंगा कि सीधा आकाश में उड़ जाएगा। कानून के किताब से टपके हुए सफेद कीड़े, बहुत लंबे चौड़े डायलॉग बोले थे तूने मगर आज मैं तेरी बोलती हमेशा के लिए बंद कर देता हूँ। चलो, कानून छूट गया इसके सिकंजे से। किसने मारी है तुझे गोली? मुझे इसका नाम बता, मैं अभी ढेर कर दूंगा। मुन्ना, कौन है वो? भैया, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ। नफरत इस ज्वाला को कानून की कोठरी में कैद कर दो। अपने आप को कानून के हवाले कर दो भैया। तू नहीं बताना चाहता तो ना बता मुन्ना, लेकिन मैं समझ गया कि तुझ पर गोली चलाने वाला वो कुत्ता रणधीर सिंह है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं भैया। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, नफरत की इस आग को बुझा दो। अपने आप को कानून के हवाले कर दो भैया। अपने आप को कानून के हवाले कर दो भैया। भैया ना, ना? भगवान, तेरी आखिरी तमन्ना जरूर पूरी करूंगा मुन्ना, लेकिन उस ठाकुर को मौत के घाट उतारने के बाद। विदेशी हथियार मंगवाए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है ठाकुर की मां की यारी जरूर किसी काले विदेशी से रही है, जो उसने हमें मारने के लिए विदेश से हथियार मंगवाए हैं। अब गोली चाहे विदेशी हथियार से चले या देसी हथियार से, मरेगा वो साला ठाकुर और उसके वो चार कुत्ते। चल बच्चे। बाहर निकाल। जो पाप तूने किया है उसकी सजा देने आया हूं मैं। आप बाहर आ कुत्ते। ठाकुर साहब, धर्म सिंह ने आपकी पुरानी हवेली पे हमला कर दिया है जी, और अब आपको मारने के लिए इस हवेली की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। आने दे उसे। मैं उस तूफान को हवा का झोंका बनाकर मुट्ठी में बंद कर दूंगा। इससे पहले कि तुम उसे अपनी मुट्ठी में बंद करो, वो हम सबको मौत की भट्टी में भूनकर हमारी चिट्ठी फाड़ डालेगा। अरे हमारी चिट्ठी नहीं फटेगी, क्योंकि हमारे पास अंग्रेजी हथियार है। हम उसके एक गोली का जवाब सैकड़ों गोलियां बरसा कर देंगे। जाओ। देखो, धर्म सिंह तूफान की तरह चला आ रहा है। मैं उसे गुस्से की आग में जलाकर राख कर दूंगा। मशीन गन लाओ। उड़ा दो साले को। खत्म करो जल्दी। हाँ? ये क्या हो गया धर्म भैया? राधा, मुझे गोली लगी है और पुलिस मेरा पीछा कर रही है। भैया आप छुप जाइए, मैं देखती हूँ। अरे दरोगा जी आप यहाँ? क्या बात है? यहाँ डाकू धर्म सिंह तो नहीं आया? लो जी, मुझ गरीब के यहाँ उसे लकड़ियों के सिवा क्या मिलेगा दरोगा जी। लेकिन हमने उसे इसी तरफ आते हुए देखा है। ठीक है, अगर आपको शक है तो आइए देख लीजिए। कोई बात नहीं, वो हमसे बचकर जाएगा कहाँ। चलो। राधा, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अगर ठाकुर की जिंदगी लिए बिना मैं पुलिस के हाथों मारा जाता तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। धर्म भैया, ये एहसान नहीं, सिर्फ एक छोटी बहन का फर्ज है अपने बड़े भाई के लिए। राधा बहन, आज जो भी तूने मेरे लिए किया है ये मेरे ऊपर तेरा कर्ज है, और इस कर्ज को चुकाने के लिए जिंदगी में कभी कुछ भी मांग लेना। चलता हूँ। भैया जानी तेरी तो। ये क्या रवि, क्या प्यार करने का यही तरीका है? प्यार? कैसा प्यार? किसका प्यार? किसे प्यार? तुम्हारे इसी भोलेपन ने तो मेरा दिल छीन लिया है और मजबूर कर दिया है कि मैं अपना सब कुछ तुम पर निछावर कर दूं। मोहिनी, कभी तो जी करता है कि फूलों की माला बनकर तुम्हारे गले से लिपट जाऊं और कभी खुशबू बनकर तुम्हारे सांसों में समा जाऊं। लगता है तुम ऐसे अनाड़ी खिलाड़ी हो जिसे हारने के अलावा कुछ नहीं आता। ये प्यार का सागर न जाने कब से तुम्हें अपनी बाहों में लेने के लिए मचल रहा है, और तुम हो कि इसमें डूबने के बजाय साहिल पे खड़े सिर्फ नजारा देख रहे हो। मोहिनी, मुझे जहाँ डूबना था मैं डूब चुका हूँ, जिससे प्यार करना था मैं कर चुका हूँ। तुम किसी और से प्यार करते हो? हाँ, मैं राधा से प्यार करता हूँ। तो ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मौका दिया ही कब मुझे? जब भी मिली एक भूखी शेरनी की तरह टूट पड़ी मुझ पर। अरे जरा सोचो तो सही, अगर मुझे अपने आप पर काबू नहीं होता ना तो न जाने क्या हो गया होता। क्या हो चुका होता? तुम्हारा कुंवारापन लुट चुका होता, तुम्हारा ये जिस्म वो मैली चादर बनकर रह जाता जिससे लोग सिर्फ अपनी गंदगी पोंछते हैं। तुम रेलवे प्लेटफॉर्म पर रखी उस कुर्सी की तरह होकर रह जाती जिस पर लोग आकर अपनी सिर्फ थकान मिटाते हैं और ट्रेन आते ही उठकर चले जाते हैं। बस किशन, बस, अब और कुछ नहीं सुनना मुझे। लेकिन मेरी एक बात तुम सुनते जाओ, तुम मुझसे भले प्यार करो ना करो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी, मरते दम तक तुम पर मरती रहूंगी, और इसमें मुझे तुम तो क्या भगवान भी नहीं रोक सकते। अरे ओ हरामजादे, झटको आजा बाहर। देख बादशाह सिंह तेरी बेटी को अपने घोड़े की दुम से बांध के ले जाने आया है। बारह! अरे तुम 71 सिंह हो या 72 सिंह या 73 सिंह, मेरा नाम है झटकू। मैंने कईयों को झटक दिया। मैं अपनी बेटी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, वो मेरी इज्जत है। जिसके घर शीशे के बने होते हैं वो बत्ती बुझाकर अपने कपड़े बदलते हैं, समझे? क्या मतलब? अबे झटकू की औलाद, इधर आ। आ गया। जब गांव की लड़कियां सुबह सुबह लोटा लेकर जंगल में जाती है तो बुड्ढे उन्हें पेट पे चढ़ के चुप के देखता है। क्या देते हैं? आहिस्ता बोल, कहीं मेरी बेटी मीना कुमारी ने सुन लिया तो वो मेरा तबला बजा देगी। हराम के पिल्ले, तबला तो आज बच के रहेगा, समझे? हरामजादे, सीधी तरह अपनी बेटी मेरे हवाले कर दे वरना गोलियों से छन्नी कर दूंगा। अरे डाकू जी, पहले अपनी बंदूक तो सीधी करिए। अबे कुत्ते, डाकू को सिखा दे। डाकू साहब, मुझे गोली मत मारो, मुझे गोली खाने की आदत नहीं। अगर मैं जिंदा रहा तो कई बेटियां पैदा कर लूंगा। बेटी मीना कुमारी, जल्दी बाहर आना, साथ में अपनी मटकी भी लाना। क्या है बापू? अबे साले, मुंह क्या देख रहा है, जल्दी से फोड़ दे इसकी मटकी। अरे मटकी टूट गई, मटकी टूट गई। चल बेटी, अब तू जल्दी से इसके साथ शादी कर ले। नहीं बापू, मैं इस लंगूर के साथ शादी नहीं करूंगी, मैं तो दिलीप कुमार के साथ शादी करूंगी। हमें नहीं जानती, दिलीप कुमार, राजकुमार, राजेंद्र कुमार, सारे कुमार मेरे अंदर है। मैं डाकू कुमार सिंह हूँ, समझी? चल मेरे साथ। बापू बचा लो। अरे बेटी, तेरे से पहले मुझे अपने आप को बचाना है, मुझे दूसरा प्यार बचाना है। लीला मैं चिल्ला। चलो, आज मेरे सर से ये बोझ तो उतरा, अब अपने सर पर लगाकर साने का तेल अपने लिए लड़की ढूंढता हूँ। ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है? आखिर उस शहरी में रखा क्या है जो तू उसके लिए अपनी जान देने पे तुली हुई है? तू मेरे साथ शहर चल, मैं तेरा इलाज वहीं करवाऊंगा। नहीं भैया, मेरा इलाज तो अब एक ही के पास है और वो है किशन। ठीक है बहना, तेरी जिंदगी का सौदा मैं अपनी जिद से नहीं कर सकता। तू जीती, मैं हार गया। किशन, कहाँ जा रहे हो किशन? वो जगह तलाश करने जहाँ मैं तुमसे न मिल सकूं। अरे अरे, मुझे वहाँ का पता तो देकर जाओ, कभी कभार आके मिल लिया करूंगी। मजाक मत करो राधा, तुम तो जानती हो तुम्हारा और मेरा मिलन कभी हो ही नहीं सकता। तो मैं जीऊं तो क्यों, किसके लिए? तुम्हारे गम में तड़पने से बेहतर यही होगा कि मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं। अरे तुम्हें जीना पड़ेगा मेरे लिए, क्योंकि भैया ने हाँ कह दी है। क्या? ये ना बात है। तुम्हें मेरी कसम, मैं दिल भर के देखूं तुम्हें, तुम दिल भर के देखो हमें। आज जुबान से बात ना हो, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम। सनम मेरे दिल का चमन खिल जाता है। मुझे तेरी हंसी सूरत के सिवा कुछ और नजर नहीं आता है। तुमसे मिलके ओ मेरे सनम मेरे दिल का चमन खिल जाता है। मुझे तेरी हंसी सूरत के सिवा कुछ और नजर नहीं आता है। दिल की पनाहों में आ जाओ तुम, सांसों में मेरी समा जाओ तुम। आज जुबान से बात ना हो तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम। मैं दिल भर के देखूं तुम्हें, तुम दिल भर के देखो हमें। ओ आज जुबान से बात ना हो तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम। तुम्हें मेरी कसम। मैं दिल भर के देखूं तुम्हें, तुम दिल भर के देखो हमें। आज जुबान से बात ना हो तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम। ला 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 हे 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 ला 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 ला। आज जुबान रणधीर सिंह का भतीजा शहर से गांव वापस आ गया है और गांव की लड़कियों के साथ रंगरलियां मना रहा है। ठाकुर, मेरी बहन का खून बहाकर रिश्ते का जो दर्द तूने मुझे दिया था, आज वही दर्द मैं तुझे दूंगा, तेरे भतीजे का खून बहाकर। किशन को धर्म भैया के आदमी उठा के ले गए। एक एक जख्म का हिसाब लूंगा चपोलिए। तेरे सांप चाचा ने जो मुझे दिए हैं, डाकू बना दिया उसने मुझे। आज तू नहीं बचेगा। धर्म सिंह, ये कहां का इंसाफ है कि करे कोई और भरे कोई। पुरखों के गुनाह पीढ़ियों को भुगतने पड़ते हैं, इस इंसाफ का हिसाब किताब समझने के लिए तुम्हें अपने उस सालिम चाचा के पास जाना पड़ेगा। और इतनी मोहलत मैं तुझे दूंगा नहीं। रुक जा धर्म भैया, भगवान के लिए गोली मत चलाना। नहीं राधा, तुम शायद इस सपोलिये के खानदान को जानती नहीं। मासूम और बेगुनाहों की जिंदगी लेना इनके बाएं हाथ का खेल है। और किसी का जब कोई बिछड़ जाता है उसे कितना सदमा होता है, आज उसी का एहसास दिलाने के लिए मुझे इसकी जान लेनी पड़ेगी। भैया, अगर तुमने इसकी जान ले ली तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं इसे प्यार करती हूँ। क्या कह रही हो? भैया, तुम्हें उस वचन की कसम जो उस दिन तुमने मुझे दिया था, जब मैंने तुम्हें पुलिस के हाथों मरने से बचाया था। इसकी जान मत लो भैया, अपना वचन पूरा करो। मेरे किशन को मत मारो भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मत मारो मेरे किशन को। ठीक है राधा, उस दिन हमारी जान बचाकर तुमने हम पर एहसान किया था। उसी एहसान के बदले आज मैं इसकी जान बख्श देता हूं। लेकिन सुनो, ये लड़की मेरी बहन है, इस पर कभी कोई जुल्म अत्याचार हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। राधा, हाँ? आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। भैया, हम दोनों की शादी के लिए तुमसे बात करना चाहते हैं। अरे क्या सोच रहे हो? मंजिल पास खड़ी है और तुम हो कि यहाँ खड़े खड़े समय बर्बाद कर रहे हो। राधा, मुझसे एक भूल हो चुकी है। भूल? अगर माफ करने का वादा करो तो कहूँ। माफ किया? बोलो क्या बात है। राधा, मैं ठाकुर किशन सिंह का ड्राइवर नहीं, बल्कि खुद ठाकुर किशन सिंह हूं। राधा, क्या हो गया तुम्हें? शायद तुम नहीं जानते किशन कि मेरे भैया ठाकुरों के खून के प्यासे हैं। वो मेरी शादी कभी ठाकुरों के खानदान में नहीं करेंगे। ऐसा क्या किया ठाकुरों ने तुम्हारे साथ? सिर्फ 200 रुपए कर्ज के लिए पिताजी की 30 बीघा जमीन हथिया ली थी तुम्हारे चाचा रणधीर सिंह ने। पिताजी तो इस काम में चल बसे और भैया ने पेट पालने के लिए अपने हाथों में कुल्हाड़े उठा ली। राधा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे भैया हम ठाकुरों को माफ कर दें? भैया अपने पे ढाई जुल्म तो भुला सकते हैं किशन, लेकिन रणधीर सिंह ने जो जुल्म गाँव वालों पर किया है, लड़कियों को बेआबरू किया है, गरीब और मजलूमों का जब खून चूसा है, उसे भैया कभी नहीं माफ कर सकते। अच्छा राधा, अब मैं तुम्हारे भैया को मिलने के पहले मैं ठाकुर रणधीर सिंह को मिलूंगा और उनकी काली करतूतों का पर्दाफाश करूंगा। किशन, और जब तक वो तुम्हारे भैया से और गांव वालों से माफी नहीं मांग लेते और उनकी एक एक लूटी हुई पाई लौटा नहीं देते, मैं ये भूल जाऊंगा कि वो मेरे चाचा हैं और मैं उनका भतीजा। हाँ? तावीज कहां चली गई? पता नहीं राधा ने कहां रख दी। हाँ। हाँ? नहीं। है? तस्वीर? हाँ। मैं भी कितना पागल हूं। मैंने राधा से पूछा ही नहीं कि लड़का कौन है, किस खानदान से ताल्लुक रखता है ये। गांव में पूछता हूं। ए भैया, जरा ये तो बताओ कि लड़का कौन है और कहाँ रहता है। मर गए, लगता है भैया को मालूम पड़ गया। और ठाकुर साहब की हवेली में ही रहता है। क्या? और से देखो कौन है ये। अरे भैया, जिस तरह से आप शेर सिंह हो उसी तरह से ये किशन सिंह ही है। ठाकुर! किशन! किशन! राधा, क्या हुआ? किशन, भैया को पता चल चुका है कि तुम ठाकुर रणधीर सिंह के भतीजे हो। न जाने किसकी नजर लग गई हमारे प्यार को। जब भी हंसने का बहाना मिलता है तब रोने की घड़ी सर पर आन खड़ी होती है। अब क्या करें किशन, तुम्हें बताओ क्या करें? वही जो तुम नहीं करना चाहती थी। क्या मतलब? चलो हम कहीं दूर भाग चलते हैं राधा, बहुत दूर। ठाकुर! ए ठाकुर, अरे ठाकुर शेर सिंह आ गए मुंह फाड़कर, क्यों हमारी सोई हुई हवेली के दीवारों के कान फाड़ रहा है? मैं तेरे भतीजे को धरती की कोख में जिंदा गाड़ने आया हूं ठाकुर, बुलाओ उसे, कर दे मेरे हवाले। अलीगढ़ के चोर बाजार में बिकने वाले टूटे हुए ताले, पहले ये बता कि उसने किया क्या है? वो मेरी बहन राधा को भगा कर ले गया है ठाकुर। तुम्हारी बहन को भगा कर किशन ने ये साबित कर दिया है वाकई ठाकुर खानदान से ताल्लुक रखता है। ठाकुर गलती तेरी बहन की है, उसे चिपकना चाहिए था किशन की जूती से और वो लिपट गई किशन के गले से हैं? लेकिन हमें हमारे भतीजे पर पूरा भरोसा है कि वो राधा को अपनी गले की हड्डी नहीं बनाएगा, जब जी भर जाएगा ना वापस लौट आएगा। ठाकुर अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं तेरे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारी बहन 2-4 दिन में वापस आ जाएगी, और अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हम शहर से डॉक्टर को बुलवा कर सब मामला ठीक ठाक करवा देंगे। हाँ वैसे सुना था कि जब तेरी बहनों की शादी नहीं हुई थी तो कई बार शहर से डॉक्टर बुलवाए गए थे। शेर सिंह क्यों फेफड़े फटके आ गए ना हलक के बाहर? तेरा चेहरा देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे तू लाल मिर्च की चटनी पर बिना कपड़ों के बैठ गया है। शेर सिंह चटनी बनती है सील और बट्टे के बीच में पीसकर, आज ही मैं एक ऐसे सील बट्टे का बंदोबस्त करूंगा जो तेरी चटनी बनाकर कुत्तों को खिलाएगा। मैं जा रहा हूं ठाकुर राधा की तलाश में, तू गांव के सारे कुत्तों को दावत पे बुला ले, देखते हैं कि वो मेरी चटनी को चाट कर जाते हैं या फिर तेरी चटनी पर थूक कर जाते हैं। अरे देख क्या रहे हो इजड़ो, इससे पहले कि शेर सिंह राधा और किशन को मिले उन दोनों को खत्म कर दो, जाओ। अब मैं शेर सिंह का इलाज करवाने के लिए गेंडा सिंह को जेल से बाहर निकलवाता हूं। क्या हुआ? जल्दी करो, ये जीप लो और अपनी राधा को लेकर कहीं दूर चले जाओ। शेर सिंह के साथ साथ तुम्हारे चाचा रणधीर सिंह तुम्हारे खून के प्यासे हैं, उसके आदमी तुम दोनों को जंगली कुत्तों की तरह तलाश कर रहे हैं। आप मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी करो जाओ। मोहिनी हम ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे, अब वक्त बर्बाद मत करो, जाओ जाओ। अपना ख्याल रखना, चलता हूँ। गॉड, ये गाड़ी को भी इसी वक्त खराब होना था, चलो भागो जल्दी। जाओ नीचे। नागेश्वर की नगरी में रहने वाले नागराज, हमारे भाग में तो वैसे ही आग लगी हुई है, फिर तुम क्यों हमें डसने आ गए? तुम्हें तो हमारे उन दुश्मनों का नाश करना चाहिए जो मौत बनकर हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अगर नहीं मानते तो ये लो, डस लो हम दोनों को एक साथ। दिखाई नहीं दे रहे होंगे पास। हाँ राधा, ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्यों न मरने के पहले हम एक दूसरे के हो जाएं। तुम ठीक कह रहे हो किशन, जब हमें मरना ही है तो क्यों ना हम अपने प्यार को अमर करके मरें। हाँ। राधा! भैया, बहुत बड़ा इम्तिहान लिया है तूने अपने भाई का राधा, लेकिन मैं भी तेरी तरह अपनी जिद का पक्का हूं। भले ही आज के बाद दुनिया तेरे भाई को कसाई का है, लेकिन अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये क्या, तेरी मांग में सिंदूर? भैया, तूने शादी कर ली? ये क्या किया तूने, क्या किया? दूर हो जा मेरी नजरों से, दूर हो जा। जब तक आप हमें आशीर्वाद नहीं देंगे हम यहां से नहीं जाएंगे। भैया, हमें आशीर्वाद दो भैया, नहीं तो हमें मार दो। ठीक है राधा, तेरी खुशियों के आगे हार गया मैं। भैया, हार गया। और आता जबाटा, क्यों शेर सिंह, शादी वादी कर ली या आज तक काजल के गम में लंडूरा बनके घूम रहा है? अच्छे मौके पे मिला है गेंडा सिंह, आज मैं अपनी बहन की जिम्मेदारियों से आजाद हूं। और अब ये कुल्हाड़ी जो काजल की मौत के बाद बरसों से तेरे खून की प्यासी है, तेरी गर्दन काट कर अपनी प्यास बुझाएगी। मेरी गर्दन को सूखी घास की तरह काटने का अरमान रखने वाले नादान दुश्मन, देखता नहीं कि मेरे हाथ में दुई नाली है। इससे पहले कि तेरी कुल्हाड़ी मेरी गर्दन तक पहुंचे, मैं तेरी फाड़ दूंगा छाती। मेरी इस कुल्हाड़ी ने हजारों गोलियों को अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया है, फिर भी अगर तेरे सींग में गोली चलाने की खुजली हो रही है तो फिर चला गोली। हाँ, खुजली हो रही है, बहुत जोरों से खुजली हो रही है। तुझे अपनी कुल्हाड़ी पे बहुत नाज है ना, तो मुझे भी अपने निशानेबाजी पे बहुत गरूर है। आज तक मेरी चलाई हुई गोली कभी चूकी नहीं है, चुकता है तो दुश्मन का हिसाब और किताब चुकता है। तो फिर देखता क्या है, चला गोली। देखते हैं जीवन के इस बाजार में कौन किसकी मौत की बोली लगाता है। गेंडा सिंह, अरे धोखे से वार करके तूने ये साबित कर दिया कि तू उन हरामजादों के उस खानदान से है जिनकी माँ ये नहीं जानती कि उनके बेटों के असली पाप कौन होते हैं। शेर सिंह, तू देता रहे मुझे गालियां, मैं चला तेरी बहन के पास, उसे अपनी बाहों में कसकर उसका रस पीने। हे प्रभु, मेरी बहन की रक्षा करना। बस भतीजे बस, बहुत खेल खेल लिए तुमने, अब मरने के लिए भी तैयार हो जाओ। चाचा जी, हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमें मार डालना चाहते हो? वही दौलत का पुराना झगड़ा मेरे बच्चे, तेरे बाप ने अपनी सारी जायदाद तेरे नाम लिख दी, अब ठाकुर साहब तुझे मार के सारी जायदाद के मालिक खुद बन जाएंगे। अगर हम दोनों में से किसी को भी कुछ हो गया तो मेरे भैया तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बारिश होने से पहले छतरी और गर्मी का मौसम आने से पहले पंखा और इलेक्शन से पहले वोट खरीदना हम कभी नहीं भूलते। क्या मतलब? क्या मतलब जरा सुनाओ नेताजी। मतलब ये कि तेरे भाई को ठिकाने लगाने के लिए ठाकुर साहब ने गेंडा सिंह को भेज दिया और वो सूरज सिंह का भेजा अब तक फाड़ चुका हो। खबरदार, जो किसी ने मेरे किशन को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं इसको खून पी जाऊंगी। अच्छा, खून पी जाओगी? अरे जी तो चाहता है कि तेरे हुस्न का छलकता हुआ जाम पी पी कर लहराओ और देशी धुन पर विदेशी गाना गाओ, मगर क्या करूं, टाइम कम और काम ज्यादा। चाचा जी, मैं अपनी सारी दौलत आपके नाम करने तैयार हूँ, मगर आप हमें मत मारो। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तू उस भेड़िए की औलाद है जिसने मुझे हमेशा दूसरों के सामने जलील किया है। देख क्या रहे हो, गाड़ दो झंडे। छोड़ दो, जान से मार डालो। नहीं राधा, समझो सत्यानाश हो गया। इन लोगों को जीप में डालकर खाई में फेंक दो। आई में फेंक दो। अब बड़े भैया की सारी दौलत आपकी हो गई ठाकुर साहब, मुबारक हो। मुबारक हो ठाकुर साहब। हाँ, चलो ऐश करते हैं। किशन! किशन! भैया, भैया, ये क्या हो गया? भैया, 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 आंखें खोलो भैया, ये क्या हो गया तुम्हें भैया? कुछ तो बोलो भैया। चुप हो जाओ राधा, ये रोने का समय नहीं है। कैसे चुप हो जाऊं? सुहाग छिन गया, पता नहीं मेरे भाई को पता नहीं किसने मार दिया। तुम्हारे भाई को डाकू गेंडा सिंह ने मारा है। गेंडा सिंह? क्यों मारा उसने? मेरे भाई ने उसका क्या बिगाड़ा था? ये वक्त सवाल पूछने का नहीं है राधा, अब तुम्हें अपने दुश्मनों से बदला लेना है। बदला? हाँ, तुम्हें ठाकुर रणधीर सिंह, इंस्पेक्टर जोरावर सिंह और नेता से अपने किशन की मौत का बदला लेना है और डाकू गेंडा सिंह की छाती को फाड़कर उसका खून पीना है। जिस तरह उसने तुम्हारे भाई का खून बहाया है। लो ये कुल्हाड़ी और अपने आंखों के आंसू को एक आग का तूफान बना दो और उसी आग के तूफान से राख कर दो अपने दुश्मनों को। वो भी एक रात के लिए। अरे बुला तेरे सजन को, उसे हम दिखाएंगे कि एक लड़की को हीरोइन कैसे बनाया जाता है। मैं इसकी साजन नहीं नेता, सहेली हूँ। और सुन, विलन कभी किसी लड़की को हीरोइन नहीं बनाता क्योंकि कमीनापन उसकी रग रग में समाया होता है। अरे मोहिनी तुम? और मैं हूँ राधा, वही राधा जिसे तेरी चांडाल चौकड़ी ने मार दिया था। मर गई थी तो जिंदा कैसे हो गई? प्यार की शक्ति ने मुझे जिंदा रखा है कमीने, और मैं उस वक्त तक जिंदा रहूंगी जब तक तुम चारों कुत्तों को मार के अपने किशन की मौत का बदला ले लूं। क्या राधा जिंदा है? और उसने मोहिनी के साथ मिलकर नेता का खून किया? जाओ जोरावर सिंह से कहो कि उसे खत्म कर दें। इंस्पेक्टर, क्यों कानून की नाक काटकर मुजरिमों के हाथों नीलाम होने वाले हरामजादे, पहचान मुझे। कानून की नाक काटने वालों की नजरें बहुत तेज होती हैं। तुम वही राधा हो ना जिसने नेताजी का खून किया था और अपने किशन के कातिलों को खत्म करने के लिए यहाँ तक पहुँची हो। बहुत समझदार है रे तू, लेकिन अगर यही समझदारी तूने किसी अच्छे काम में लगाई होती ना तो हो सकता था आज तेरी मौत तेरे सामने नहीं खड़ी होती। हम जैसे कमीनों को मौत इतनी जल्दी नहीं आती। मेरी मौत का सोचने से पहले जरा पीछे मुड़कर देख। मुझे मालूम था कि इंतकाम की आग में मुझे जलाने के लिए तू यहीं भटक रही होगी, इसलिए मैंने अपनी हिफाजत का इंतजाम पहले ही कर रखा था। अरे मेरी प्यारी मुन्नी, ये लोहे का खिलौना तुम्हारे हाथों में शोभा नहीं देता। अभी तुम्हारी उम्र गुड्डे गुड्डियों से खेलने की है। ये लोहे का खिलौना हम जैसे कमीनों के हाथों में ही शोभा देता है। तेरी चालाकी किसी भी काम नहीं आएगी गधों के सरदार, क्योंकि मैं आ गई हूं। राधा, अब तेरे मेरे बीच में कोई नहीं है। इंस्पेक्टर, बच सकता है तो बच ले, भाग भाग जितना भागना है। ठाकुर साहब, क्या है? इंस्पेक्टर जोरावर सिंह का राधा ने खून कर दिया। क्या? हाँ ठाकुर, अब तेरी बारी है। देख देख, इसे गौर से देख। इस पे लगा हुआ तेरे दोस्तों का खून अब तेरा इंतजार कर रहा है। अरे वाह 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 वाह, मौत की मकड़ी 3 फुट की लकड़ी और आधे किलो का लोहा लेकर ठाकुर रणधीर सिंह को मारने आई है। लड़की, तू नहीं जानती कि तूने यहाँ आकर हमारी मुश्किलें कितनी आसान कर दी है। आज तू कितने भी हथियार आजमा ले ठाकुर, लेकिन तुझे मेरे किशन की मौत का कर्जा चुकाना ही पड़ेगा। मुझे भेज रही थी ना मेरे दोस्तों के पास, अब मैं तुझे भेज देता हूं तेरे किशन के पास। चले जाओ, वो मेरी फिक्र मत करो। छोड़ो मुझे। चुप, जाके बंद कर दो इसे। कल मैं इसे बीच बाजार में जिंदा जला दूंगा ताकि कोई राधा मुझसे टकराने की हिम्मत ही ना करे। ले जाओ। धर्म सिंह। कौन हो तुम? धर्म सिंह, राधा को बचा लो। कल रणधीर बीच चौराहे पर राधा को जला देगा। उसे बचा लो। और इस एहसान के बदले कभी हमारी जान की जरूरत पड़े तो मैं हाजिर ठाकुर। मैं कहाँ हूँ? आप लोग कौन है? तुम हमें एक जलती हुई जीप के पास बेहोश पड़े हुए मिले और हम तुम्हें यहाँ ले आए। मेरी राधा और मेरे साथ एक लड़की थी, वो कहाँ है? नहीं तो वहाँ तो हमें कोई नहीं मिला। हे भगवान, भगवान न करे मेरी राधा को कुछ हुआ। देख लो, आगे फाड़ कर देख लो और हमेशा के लिए याद रखो कि जो भी हमारे साथ टकराने की कोशिश करेगा उसका अंजाम इसी लड़की की तरह होगा। सपाटा। गेंडा सिंह, तुम्हारा ये बेवक्त का मजाक अच्छा नहीं लगा। अगर तुम हमारे दोस्त नहीं होते ना। दोस्त की भूल को भूल जाने भलाई है ठाकुर। रह गई रस मलाई जिसको अपनी बाहों में कसकर उसका रस चूसने की हमने कसम खाई है ठाकुर। अगर तुम इसे जला देते, कसम सपाटा की, हमारी कसम कैसे पूरी होती है? अरे हाँ, हम तुम्हारी बचपन की कसम को तो भूल ही गए। लो कसम पूरी कर लो, इसकी जवानी की आग में जल जाओ, फिर हम इसे जिंदा जला देंगे। लो ठाकुर, आज ये गेंडा सिंह एक कांटा बनकर इस कली को चुप कर इसे एक फूल बना देगा। सपाटा। बड़ी सपाटा। तू तो मर गया था ना। जाको रखे साइया, मार सके ना कोई। सपाटा, हम मारेंगे तेरे को। देखता हूं तेरे को कौन बचाता है। कालिया है तू कालिए, साले अपनी कुंडली चुराकर अपनी जिंदगी की घड़ियां लंबी कर ली थी तूने। आज मैं तेरी कुंडली भी फाड़ दूंगा और तुझे भी फाड़ दूंगा। मर गए सब। गेंडा सिंह वो आ गया, चलो भागो। मेरी कसम पूरी हो गई मुन्ना, अब तुझे दिया हुआ वचन पूरा कर रहा हूं। सुन री दीवानी आई रुत मस्तानी, अरे होने दे जो कुछ कुछ होने लगा।